हम लोग अगर जहाँ नहीं बैठी ऑटो में तो सब मिल के उठा के बैठाएंगे इनको ऑटो में। बिजली का हाहाकार मचा हुआ है, सबके सब इंतजार कर रहे हैं। सरस्वती पूजा यहाँ पर लदा हुआ है और पानी का व्यवस्था ही नहीं हम लोग के पास, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पानी का अकाल हुआ है, एक बाल्टी पानी में आधा हमको आधा आधा अपना जी खुद रखी है। अब देखिए इतना पानी में नहाना ही तो चैलेंज है। नहा तो लेंगे ही, सोचे थे बाल धोएंगे लेकिन बाल तो नहीं धुलाएगा, तो इतना सा पानी मिला है जो घर में पानी से मुंह धो लेते हैं और इस इतना पानी से नहा लेते हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। गाना का बात चारों तरफ से आ रहा है जिसकी वजह से कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहो, आज का गंगा ब्लॉग शायद जाएगा। जब हम नहाने के बाद दुकान पर गए तो माता रानी का पट खुल चुका था, पूजा खत्म हो चुकी थी, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। उसके बाद हमने माता रानी के पास गया, प्रणाम किया उनको, क्योंकि हम बाल नहीं धोए थे तो हम पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं ले गए, घर में भी पूजा नहीं किए। और माता रानी को प्रणाम किए, प्रणाम करके आए, बैठ के इंतजार कर रहे थे, हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं और जो आप लोग तो स्टार्टिंग में देख ही लिए होंगे, मनोज जी सरोज बहन को लेके आ रहे हैं। उस दिन ना मेरे यहाँ यही शोर नहीं था, बगल में ढलैया हो रहा था उसका भी शोर चल रहा था। सरोज बहन को लेके आ गई हैं, सरोज बहन हमसे मिली, हम दोनों बहुत खुश हुए, अच्छा लगा उनसे मिल करके। फिर हम ना उनको दुकान के अंदर ले गए, दुकान के अंदर बैठाए तो इतना शोर हो रहा था सॉन्ग बजने के वजह से, तो हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप थे, ताकि जो बॉक्स लगी हुई थी वहीं पे लगी हुई थी, बहुत शोर रहा था। हम सरोज बहन को बोले कि चलिए घर चलते हैं, वहाँ पे बैठ के अच्छे से बात होगा। फिर सरोज बहन को लेके घर आए, घर आए तो मनोज जी भी पीछे से आए, पहले हम लोग बहुत देर तक बातें किए, फिर यूट्यूब का बहुत सारी बातें हुई कुछ कुछ, और उसके बाद सरोज बहन घर आई, घर आ कर बैठी। उनका बाबू जो है ना वो जिम्मी का बहुत सारा वीडियो बना रहा था, देखो तब उसका कैमरा ना जिम्मी के तरफ ही घूम रहा था बार बार, और उसको बहुत क्यूट लग रहा था जिम्मी। वो ना बैठे बैठे मम्मी को धीरे से कह रहा है, मम्मी हमको भी एक डॉग ले दो, हमें भी एक डॉग चाहिए। तो मनोज जी उसको समझाने लगी कि डॉगों को मतलब बहुत परेशानी होता है इसमें, कहीं जा नहीं पाओगे, कहीं निकलना चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे, वो समझा रहे थे उसको। उसके बाद सरोज बहन से भी बातें कर रहे थे, जिम्मी के बारे में बात हो रही थी। आज जिम्मी देखिए आपको देख के लग रहा है कि जिम्मी बदमाशी कर रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं बदमाशी कर रहा था। फिर हम लोग भी अपना बैठ के बातें कर रहे थे सब सरोज बहन से, मनोज जी वो जो घर बता रहे थे तो सब एड्रेस वेड्रेस बता रहे थे कि हम भी उधर गए हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट अगल बगल का ही है तो जाना आना तो लगल ही रहता होगा, ये तो हम जानते हैं उधर का उस एरिया में, एरिया का अगल बगल का लोकेशन पूछ रहे थे। फिर बच्चे से हमें बात हुई और उसके बाद ना हम लोग मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सरोज बहन से बैठ के बात करने में। मनोज जी भी जम के मस्ती किए थे, खूब बात किए सरोज बहन से, वो भी जिम्मी बिस्किट खा रहा है ले लेके उनसे, हम चाय बना रहे हैं किचन में, सरोज बहन गई है रैलिंग पर देखने के लिए पेड़ पौधा का क्या हाल है। रेलिंग पर बैठ के सब पेड़ देख रहे थे तो हम सोचे चाय यहीं पर पी लेते हैं, रेलिंग पर ही अच्छा लगेगा, रेलिंग पर चाय पियेंगे तो चले गए लेकर के सरोज बहन को रेलिंग पर ही, और वहीं पर चाय दिए, वहीं पर पिए हम लोग। धूप नहीं उगा है क्योंकि बारिश पड़ रही है, और सरस्वती पूजा के दिन बारिश पड़ी है, बहुत अच्छा बारिश पड़ गई है रात से लेकर सुबह तक में, तो धूप बिल्कुल भी नहीं उगा है। और हम लोग आपस में बैठ के वहाँ पर वहीं पर बैठे कहाँ, वहीं पर खड़े खड़े बात कर रहे हैं सब लोग।
फिर अंदर आए तो थोड़ा बहुत ना सरोज बहन शूट कर रही थी और वो अपने मोबाइल में कुछ कुछ मेरे में हमको लेकर के, तो उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट किया। उसके बाद ना लेके छत पर गए, गाना बज रहा था और गाना बज रहा था ना, देखिए मनोज जी किस तरह से डांस किया, हमें बहुत अच्छा लगा था, हम डाल दिए थोड़ा सा, आप लोग इसको इंजॉय करेंगे। उसके बाद गाना कहीं भी बजता है तो इनको मन होता है कि हम भी डांस करें, तो ये भी आ गए हैं डांस करने के लिए बाबू के साथ, वो भी डांस करें। हम लोग भी बहुत सारा किए जो रील्स में जाएगा, इन लोग को हम थोड़ा सा डाल दिए। उसके बाद डांस उस करके हम लोग आए, सरोज बहन स्वेटर पहनी, अब पहन के अब हम लोग चलेंगे दुकान, क्योंकि सरोज बहन को जाना है, शाम को 5 बज गया है और सरोज बहन को निकालना है यहाँ से। तो बाकी के लोग तो दुकान पर ही थे, सरोज बहन को लेके जैसे ही गए वहाँ पे तो डांस प्रोग्राम ख़त्म हो गया था स्कूल का और सभी लोग ना डीजे पर डांस कर रहा था भोजपुरी सॉन्ग पे। बस आओ न ताओ देखे हम और सरोज बहन कूद पड़े और क्या, जाके जम के डांस किए सरोज बहन को लेके। आई थी तो इतना वीडियो में तो हम आवाज़ ओवर करेंगे ताकि आवाज़ नहीं दे सकते, लेकिन इसमें हम आवाज़ दे रहे हैं। और सरोज बहन लगता है कि हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहती है, देखिए 1 2 3 4 लोग इनको पकड़, बहुत अच्छा दीदी जितना देखते मैं उतना ही इनको पकड़ करके हम लोग ऑटो में बैठाने जा रहे हैं। ठीक है, 4-5 लोग हैं हम लोग, अगर जहाँ नहीं बैठी ऑटो में तो सब मिल के उठा के बैठाएंगे इनको ऑटो में। ठीक है, भेज रही है, देख लीजिए ऑटो तक हम छोड़ दिए हैं, अब सरोज बहन जा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। ठीक है सरोज बहन।